वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने चैनल पे। ये वीडियो स्पेशली आइडल स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में जिन बच्चों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उनके लिए खास होगा। जब मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो अपलोड किया था, कौन से टॉपिक करना है, कितना करना है, उस टाइम पे काफी बच्चों का कमेंट था कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताइए। सो इसलिए आज ये वीडियो स्पेशली आप लोग के लिए। तो इसी बात पे इस वीडियो पे लाइक करना तो बनता ही है, तो वो करके जाना भूलना नहीं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब देखिए, सेमेस्टर 6 जो पेपर है यार, बहुत ही जल्दी आने वाला है और हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम पूरा बैठ के पढ़े या खुद पे हम प्रैक्टिस करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, या कौन सा कितना क्वेश्चन करना चाहिए। सो डोंट वरी, आपके पार्टनर सर यहाँ पे अवेलेबल है। मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको एटलीस्ट कर लेने से पास तो हो जाओगे। तो देखो, कुछ चैप्टर्स बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे इंडेक्स पेज पे तो आपके पास 6 चैप्टर्स है, जिसको देख के अच्छी खासी हमें वाट लगने लगेगी। लेकिन आपको 6 चैप्टर नहीं करना है, ठीक है? अगर सिर्फ पास होने की इच्छा है तो आपको 6 के 6 चैप्टर नहीं करना है। गिने चुने 3 चैप्टर कहूंगा, वो 3 चैप्टर करना है, प्लस थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। और कांग्रेचुलेशन, पास हो जाओगे। लेकिन हाँ, करना पड़ेगा उतना तो, एटलीस्ट आप एटलीस्ट 3 चैप्टर तो करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, एक चैप्टर अपना एकाध सम करता हूं, चेक करता हूं जम रहा है क्या, देन मैं उस पर करूंगा, फिर सेकेंड ट्राई करेगा। ट्राई ट्राई करते करते एग्जाम का डेट आ जाएगा और ट्राई ट्राई में तुम्हारा क्राय हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि मैं बता रहा टॉपिक्स उसको फॉलो करो। जिस तरीके से आप लोगों ने हम पे सेमेस्टर 5 के वक्त पे ट्रस्ट किया यार, और काफी अच्छा प्रेजेंटेशन भी रहा आप लोगों का एग्जाम में, सो इसलिए कहूंगा सेम 6 में भी उतना ही ट्रस्ट बनाए रखो भरत सर को, पांडा सर पे और इस चैनल पे। तो आ जाओ, हमारे पास जो 6 चैप्टर है उसमें से आप, मैं कहूंगा सबसे पहला और सबसे प्यारा से जो टॉपिक है इस सब्जेक्ट में मेरा इस सेमेस्टर का, वो है वर्किंग कैपिटल। आप पहले ये कर लीजिए वर्किंग कैपिटल। मैं कुछ नोट्स दिखाऊंगा आपको, कि झलक दिखाऊंगा आपको, एक झलक दूंगा कि चैप्टर्स दिखता है कैसे सॉल्यूशन के वक्त पे, ठीक है? तो पहले कहूंगा वर्किंग कैपिटल कीजिएगा, काफी अच्छा है। करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी करना है, काफी अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसमें से, तो एक पार्ट है करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी, काफी अच्छी चीज है वो करना। सेकेंड में कहूंगा कैपिटल बजटिंग, फॉर्मूला बेस पे है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली है। देखिए कैपिटल बजटिंग एग्जैक्टली है क्या, आपको ना 2-3 प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, और बता दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट है कितने का, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है, आउटफ्लो इसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो कितना है, ठीक है? और भी बता दिया कि इन फ्यूचर एस्टिमेशन के थ्रू कितना पैसा आपको रिसीव होगा, मिलेगा हर प्रोजेक्ट का। अब आपको डिसाइड करना होगा कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूलाज के हिसाब से कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट होगा, ठीक है? तो कुछ वो तरीका है कैपिटल बजटिंग के अंदर। तो मैं कहूंगा कि आप सबसे पहला टारगेट ये 2 चैप्टर कीजिए, ये 2 चैप्टर कीजिए, ठीक है? और हाँ, एक बात और है दोस्तों, थ्योरी ऑब्जेक्टिव को हल्के में मत लो और ना ही उसको स्टार्टिंग में पहले ही करो। पहले आप चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स को कर लो, उसके बाद थ्योरी ऑब्जेक्टिव करो। आपके लिए काफी काफी राहत की बात हो जाएगी, इजी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं तो काफी सारी चीजें हमारे यहाँ पे दिमाग में सेट हो जाता है, फिर हम जब थ्योरी और ऑब्जेक्टिव करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजीली और स्मूथली खत्म होता है, ठीक है? बट अब पहले आप थ्योरी ऑब्जेक्ट लेके बैठो तो रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा में कुछ गड़बड़ हो गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके पहले प्रैक्टिकल करो, थ्योरी ऑब्जेक्टिव करना। तो आ जाए यहां पे अगेन, तो मैंने कहा कि पहले आपको ये 2 चैप्टर टारगेट करना है यार, वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग। देन उसके बाद अगर फिर भी टाइम है आपके पास और चाह रहे हो कि करना है हमें और भी चैप्टर्स, तो कहूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग पे आ जाए या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग पे, ये 2 चैप्टर फिर टारगेट करना आपको, ठीक है? थर्ड और फोर्थ पकड़ लो आप इसको। बाकी ये 2 चैप्टर है, इसमें से अगर मान लो 4 चैप्टर आपके हो गए हैं, थ्योरी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो बिंदास जाओ एग्जाम में, पास होके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्कोर करना है या थोड़ा सा सेफ जोन में और रहना है, तब जाके आप इसमें से जो कैश बजटिंग वाला पार्ट है वो कर सकते हो, जैसे कि ये वाला, ये ऑप्शन छोड़ सकते हो, ऑप्शन छोड़ सकते हो। मतलब 6 में से आपको 2 पहले करना है, कौन कौन से, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ठीक है? फिर आपको मार्जिन कॉस्टिंग और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करना है। कहने की मार्जिन कॉस्टिंग में फॉर्मूला बेस पे है, बट इजी है, अमाउंट सामने रहेंगे, आपको करना है। संजय सर ने भी काफी सारे इसके लेक्चर्स अपलोड किए हैं और यार हर चीजों के वीडियोस लेक्चर्स हमारे चैनल में भी अवेलेबल है, और इन डिटेल प्रॉपर फोल्डर वाइज में ऐप में भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि करना कहां से, यूट्यूब से करना है, खुद से करना है, जैसे करना है, बट ध्यान रखना ये ऑर्डर को फॉलो करो तो आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा। मेरा कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा अगर हम इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर पे, इसको थर्ड नंबर पे और इसको फोर्थ नंबर पे, लास्ट में इसको रखता हूं मैं, ये छोड़ ही दे रहा हूं, मैं सीधे इसको छोड़ ही दे रहा हूं,
है, तो ये ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हो। मैं कुछ झलक दिखाता हूँ वर्किंग कैपिटल का, कि वर्किंग कैपिटल दिखता कैसे। जस्ट अ मिनट, मैं आपको वर्किंग कैपिटल कैपिटल वर्किंग थोड़ा दिखाता हूँ नोट्स वगैरह, तो आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली चैप्टर्स दिखता कैसे, सॉल्व कैसे करना है। अच्छा जरा मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का सेमेस्टर 5 में इस एफएम का सब्जेक्ट का एग्जाम कैसा रहा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि आपके पास टाइम कम है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आप करते चलो करते चलो। ये देखो ये आपका वर्किंग कैपिटल, कुछ झलक है आपका थोड़ा सा, ये है मेन चीज आपका वर्किंग कैपिटल में। इसके काफी अलग अलग तरीके, जिनको चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, कहीं पे एप्लीकेशन में जाना नहीं है, कहीं यूट्यूब पे सर्च नहीं करना है, खुद से करना है, आता है, तो ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो आप लोग। एक ही ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल सॉल्व करने काफी अलग तरीके हैं, बट कभी भी ध्यान रखिए आप कोई भी चीज करते हो तो सेम एक ही तरीका हर जगह फॉलो कीजिए, तो आपको चीजें याद हो जाए और ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल झलक है। और अगर मैं कहूं कैपिटल बजटिंग के बारे में, देखिए कैपिटल बजटिंग के फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज है कैपिटल बजटिंग है, पे बैक पीरियड, फिर एआरआर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, फिर डिस्काउंटिंग। ये ना आपको ना देख के ऐसे डरावना लग रहा होगा, पर सच बताओ तो आपको, मैं जिन बच्चों ने हमारे लेक्चर्स देखे रहेंगे ना यार, उनको ना स्टार्टिंग के 2 समय क्लियर हो गया है, क्योंकि ना ये सारे फॉर्मूलाज ना एक दूसरे लिंकअप है, अगर एक फॉर्मूला क्या सेकंड आपको समझ जाएगा। और ऐसे ना मैंने देखो ये जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 होगा, जिनके पास मेरे लेक्चर्स होंगे, जिनके पास हमारे लेक्चर्स होंगे हमारे एप्लीकेशन का, उनको पता होगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन 1 है ना, इसके अंदर मैंने पे बैक पीरियड का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, और एग्जाम पूछता पूछता पे बैक पीरियड। सो अगर आप चाहते हो कि यार अच्छे से कवर करना, तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो और एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अगर होंगे तब वो फॉलो कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा, अगेन कहूंगा आपको, मैं कहूंगा इसी ऑर्डर को फॉलो करो, पहला वर्किंग कैपिटल, फिर कैपिटल बजटिंग, फिर मार्जिनल, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर पैटर्न वही है, सेम टू द सेमेस्टर 5 आपका, 20 मार्क का थ्योरी, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, एंड रिमेनिंग मार्क्स आर फॉर द प्रैक्टिकल सम्स। ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस को फॉलो करना, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। काफी बच्चे बोलेंगे सर पहले एनुअल पैटर्न था, कोई बात नहीं, एनुअल पैटर्न में आपके इन चैप्टर के जो सम होंगे आप वो ले सकते हो। आप चाहो तो बाहर से मनन प्रकाशन जो पब्लिकेशन है उसको भी यूज कर सकते हो, सेट पब्लिकेशन भी यूज कर सकते हो, अदर देन दी आपका यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप लोग के पास हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। नियर टू थाने रहते हो तो यार क्लास में आकर विजिट करके मिल भी सकते हो, कोई अपने डाउट को क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। काफी बच्चे आईडल के आते हैं यहाँ पे, सो अगर आपको भी आना तो आ सकते हो। सो अब मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ने से याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।